दीदी लगती है क्या दरवाजा खोलने में? आंटी कोचिंग करके आया था, थोड़ी आंख लग गई थी। पढ़ने लिखने वाले लोग आंख नहीं लगाते, दिमाग लगाते हैं। चलिए सब छोड़, किराया निकाल। ये लो आंटी जी पूरे 3,000 रूपए। 3,540 रूपए। आंटी पिछले महीने तो किराया बढ़ाया था, इस महीने फिर बढ़ा दिया क्या? किराया नहीं बढ़ाया बेटा, अब से रेंट पर भी GST देना पड़ेगा, वो भी 18%। न्यूज नहीं देखता क्या तू? आंटी जी आप गलत समझ रहे हो, रेंट पर GST उन लोगों से लिया जाएगा जो रेंटेड प्रॉपर्टी को कमर्शियल या बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई ऑफिस, ट्यूशन सेंटर या किराने की दुकान। और अगर किरायादार आपकी प्रॉपर्टी का यूज रहने के लिए कर रहा है ना, तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा। लेकिन इस पर टैक्स तो भरना पड़ेगा ना मुझे, वो अपनी जेब से भरूंगी मैं? आंटी जी आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो, आपको जो रेंटल इनकम पे टैक्स देना है ना, वो इनकम टैक्स है। और इनकम टैक्स एक्ट टैक्स कैलकुलेशन के लिए कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं करता है, लेकिन GST इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है। और नए GST रूल्स वहीं अप्लाई होंगे जहां टेनेंट GST रजिस्टर्ड है और रेंटेड स्पेस का यूज कमर्शियल एक्टिविटी के लिए करता हो। ऐसा क्या? चल कोई नहीं, 3 ही दे दे। कोई नहीं बेटा, अगली बार सीधा 1,000 बढ़ाऊंगी मैं।